आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ त्योहार स्पेशल एक फ्यूजन डेजर्ट रेसिपी, जिसका नाम है नो बेक मोतीचूर चीज केक, जिसे हम बिना क्रीम चीज के बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हंकर्ड। हंकर्ड बनाने के लिए मैंने एक बोल लिया है, इसके ऊपर एक छलनी रखी है और इसके ऊपर हम रखेंगे मलमल का कपड़ा। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप फ्रेश दही, 2 कप दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेंगे और इसे इसी तरह छलनी पे रखकर ओवरनाइट रेफ्रिजरेट करेंगे। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे केक के लिए टिन। अगर आपके पास लूज बॉटम टिन नहीं है तो भी आप इस केक को बना सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी केक टिन या फिर स्टील का बर्तन ले लीजिए और उसे क्लिन रैप से 2-3 times अच्छे से रैप कर लीजिए, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ मैंने 6 inch टिन का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे केक की फर्स्ट लेयर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 मैकविटीज के बिस्किट लिए हैं। इसे हम ग्राइंडर जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। आपको इसे पल्स में पीसना है, फिर रुकना है, फिर पीसना है। अब हम इस मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 tablespoon पिसी हुई शक्कर और 1.5 tablespoon अनसॉल्टेड बटर। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर नहीं है तो आप सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बटर की क्वांटिटी बाइंडिंग पर डिपेंड करेगी। जब आप इसमें बटर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो आप इस तरह से एक बार हाथ में बाइंड करके देख सकते हैं। अगर ये प्रॉपर बाइंड हो रहा है मतलब ये परफेक्ट है। अब हम इस मिक्सचर को केक टिन में चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। और इसे पूरे प्रेशर के साथ हमें प्रेस करना है। इसे अब हम 1/2 घंटे के लिए फ्रीजर में फ्रीज करेंगे। रेसिपी में नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे केक की सेकेंड लेयर। केक की सेकेंड लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 cup विप क्रीम, जो बिल्कुल ठंडी है। इसे हम स्टिफ पीक आने तक बीट करेंगे। क्रीम हमारी अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हंकर्ड जो हमने प्रिपेयर किया है। ये लगभग 100 ग्राम है। इसे भी हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 cup पाउडर शुगर, 1/4 teaspoon कार्डमम पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्रीम को हमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बीट करना है। अब मैंने यहाँ एक बोल में ली है 2 tablespoon व्हिप्ड क्रीम। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें एक बॉयल आने तक इसे कुक होने देंगे। जैसे ही क्रीम में बॉयल आने लगा गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम वाइट चॉकलेट और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें चॉकलेट के मेल्ट होने तक इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपके चॉकलेट मिक्स नहीं हो रहे हैं तो आप फिर से गैस की फ्लेम थोड़ी देर के लिए ऑन कर सकते हैं।
चॉकलेट हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और उसके बाद ही हम इसे क्रीम में ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट चॉकलेट गनाश और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कार्डमम एसेंस। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो चलेगा। क्रीम चीज़ लेयर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में पोर कर लेंगे। केक टिन को फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम कॉर्नर फिल करेंगे। अब हम सेंटर में मोतीचूर स्प्रेड करेंगे। अब इसके ऊपर से फिर से क्रीम चीज की लेयर लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से फ्लैट कर लेंगे। अब इसके ऊपर फिर से हम मोतीचूर की लेयर लगाएंगे। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। पिस्ता और रोज पेटल से गार्निश करेंगे और इसे फिर से एक बार जेंटली प्रेस करेंगे। इसे हमें रेफ्रिजरेटर में 5-6 hours के लिए सेट होने देना है। 6 घंटे में केक बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसे अनरैप करेंगे। आपको पॉलीथिन को बिल्कुल हल्के हाथों से निकालना है। बिल्कुल आसानी से पॉलीथिन निकल गई है। आप देख सकते हैं कि केक कितनी अच्छी तरह से सेट हुआ है। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये केक देखने में तो सुंदर है ही, पर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस दिवाली आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।